गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर जय कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, SIRT भोपाल, द सेज ग्रुप। देन डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस एंड सम बेसिक्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, so now get start. Then first of all, basically these are the some areas of artificial intelligence where our dependency is occurred, like as I already told you, when we discussing about the syllabus, there is some knowledge representation, logics, planning, robotics, expert system, machine learning, Bijin, NLP. These all things are dependent on the searchings. Searching मतलब क्या कि अगर हमें कोई कोई चीज का solution, optimal solution चाहिए, we have a lot of solution about the particular problem, then optimal solution हम कैसे निकालेंगे? By using the searching technique. ये search देखेंगे आप, ये searching technique जो है, जो सारे जो भी हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं, सारों सब पर डिपेंडेंट है। दिस इज सर्चिंग इज कनेक्टेड टू द लॉजिक, सर्चिंग इज कनेक्टेड टू द मशीन लर्निंग, सर्चिंग कनेक्टेड टू द प्लानिंग, सर्चिंग कनेक्टेड टू द NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सर्चिंग इज कनेक्टेड टू द बिजिन, देन सर्चिंग कनेक्टेड टू द प्लानिंग एज वेल एज रोबोटिक्स। ओके, देन सर्चिंग इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है ना, हाउ इट इज कनेक्टेड बाय द लॉजिक, आफ्टर दैट एक्सपर्ट सिस्टम। दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, देन आई एम टेलिंग टू यू हियर कि अगर हमें कोई भी चीज का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, इफ वी हैव अ लॉट ऑफ सॉल्यूशन अबाउट एवरी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, देन वी हैव टू अप्लाई सम सर्चिंग टेक्निक्स टू फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो दिस इज द बेसिकली डिपेंडेंसी, वी कैन से दैट दिस इज द डिपेंडेंसी ऑफ AI on searching techniques. Okay, now as I already told you, what is the artificial intelligence? So, मैंने आपसे कहा the system that think like a human, system that think rationally, सिस्टम दैट एक्ट लाइक अ ह्यूमन, सिस्टम दैट एक्ट रेशनली, मतलब कि सिस्टम एक ह्यूमन की तरह सोच सके, ह्यूमन की तरह क्वेश्चंस आंसर कर सके, तर्क अपना दे सके, लॉजिक अपना दे सके। तो वो एक ऐसा सिस्टम जो कि ह्यूमन की तरह काम कर सके, ह्यूमन की तरह अपना लॉजिकल मतलब व्यू बना सके, दैट सिस्टम इज कॉल्ड बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नाउ you can see here, this is the human and this is the rational. ठीक है, मतलब system that like a human, मतलब एक ऐसा system जो कि human की तरह काम कर सके, system that think a human, जो कि एक human की तरह काम कर सके, system that think rationally, जो कि क्या कर सके, एक तार automatically अपना logic create कर सके, अपना logic बना सके, ठीक है ना, अपने concept बना सके, तो वो एक rationally बात की जाएगी उसके बारे में, कि वो rationally system is like rationally, ठीक है। Now system that act like a human, this is the Turing test. अगर कोई इसे एक system है जो कि human की तरह काम कर रहा है, human की तरह action perform कर रहा है, human की तरह सोच पा रहा है, human की तरह reply कर पा रहा है, human की तरह analysis कर पा रहा है, then this is basically called the Turing test. Turing test एक 1945 में एक test perform किया गया था, तो जो कि अपने एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, रिसर्चर थे, 1950 में एलन ट्यूरिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टेस्ट को परफॉर्म किया था। तो ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, द ट्यूरिंग टेस्ट इज अ टेस्ट डेवलप्ड बाय एलन ट्यूरिंग इन 1950 ऑफ अ मशीन्स एबिलिटी टू एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर इक्विवेलेंट टू और इंडिक्स इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम फॉर्म
दैट ऑफ अ ह्यूमन, जो कि एक ह्यूमन की डिफरेंट फॉर्म को बताता है. ओके, आई विल एक्सप्लेन इन ब्रीफ इन फर्दर स्लाइड्स. ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन्स दैट परफॉर्म फंक्शन दैट रिक्वायर इंटेलिजेंस व्हेन परफॉर्म्ड बाय द पीपल. मतलब कि द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन, मशीन को क्रिएट करने के लिए दैट परफॉर्म अ फंक्शन, जो कि कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है, रिक्वायर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, जो कि जिसको परफॉर्म पीपल अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं. द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स डू थिंग्स एट विच एट द मोमेंट पीपल आर बेटर. सो दीज आर द टू डेफिनेशन विच इज रिलेटेड टू द ट्यूरिंग टेस्ट. नाउ सिस्टम दैट लाइक अ ह्यूमन, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो ट्यूरिंग टेस्ट में क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर एक ये मशीन है, ओके, और एक ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और अनदर साइड जहाँ से एक रिप्लाई आ रहा है, जैसे आप देखेंगे, मैं बताता हूँ, यहाँ पर, यहाँ देखिए आप, ठीक है ना, यहाँ देखेंगे देर आर सी इज द पर्सन एंड ए और बी, ये भी दो, देर आर थ्री ऑब्जेक्ट ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी देर आर थ्री ऑब्जेक्ट. अब हमने क्या किया कि यहाँ पर लाइक जो यहाँ पर देखेंगे रूम वन में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और रूम टू में एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रख दिया और रूम थ्री में एक तीसरे ऑब्जेक्ट को रख दिया. तो रूम वन में जो बैठा है वो एक पर्सन है. हु इज दिस पर्सन, आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये देखो, अब ये एक पर्सन है जो मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, ये पर्सन है. रूम टू में है वो एक मशीन है, ठीक है, रूम थ्री में है ये एक पर्सन है, ठीक है. अब रूम वन का जो बंदा है वो एज ए इंट्रोगेटर रोल प्ले कर रहा है. इंट्रोगेटर मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, रूम टू और थ्री से. अब जब ये इसके पास रिप्लाई आ रहा है, मशीन से रिप्लाई आ रहा है या कि पर्सन से रिप्लाई आ रहा है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि मशीन भी उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी कि ये पर्सन इंटेलिजेंट है. गेटिंग द पॉइंट? तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द ट्यूरिंग टेस्ट. मतलब कि मशीन को इतना कैपेबल बना दिया गया है कि इट्स बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन. सो दिस इज बेसिकली ट्यूरिंग टेस्ट. दिस इज हैपन इन द 1950 में ये परफॉर्म किया गया था बाय द एलन ट्यूरिंग. सो दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और अक्सर ऑफन इट इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, इन द एग्जामिनेशन. सो आप लोग इसको अच्छे से कर लें, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है. तो इसमें कोई डाउट हो तो आप बात कर सकते हैं मेरे से. ओके, वी गो अहेड नाउ. सिस्टम दैट लाइक अ ह्यूमन, वो वही जो चीज़ मैंने ऊपर आपसे डिस्कस करी वही यहाँ पर बताया गया है, ठीक. सिस्टम दैट लाइक अ ह्यूमन, these cognitive tasks include natural language processing, knowledge representation, automated reasoning, machine learning. these all tasks jo ki humans ke dwara perform kiye jate hain, wo sab kiske dwara perform kiye jate hain, fir system ke dwara. now these are the some applications, bahut sari applications hain. aaj current scenario mein our life is not possible without the artificial intelligence. you can see here maine already pehle bhi aapse bahut sare एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, जैसा कि नेचुरल लैंग्वेज का प्रोसेसिंग का मैंने आपको एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि गूगल असिस्टेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वेयर वी से लाइक व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, देन इट रिप्लाई इमीडिएटली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली. तो ये व्हाट इज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ऑफ AI, एंड वी आर यूजिंग द रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स system. there are so many things in medical science, matlab lot of applications exist around us in of artificial intelligence, theek hai. some applications are here, autonomous planning and scheduling, autonomous rovers, theek hai. ye weather forecasting mein jab hum kuch planning karte hain ya batate hain to wo sab wahan par bhi satellite ke through hum AI ka use kar rahe hain. autonomous planning of telescope scheduling, कोई चीज़ को देखना है मून पे क्या है कैसा चल रहा है, ये सब सैटेलाइट के उसके थ्रू, ठीक है. एनालिसिस ऑफ डेटा, वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में बताया, या फिर सोलर सिस्टम के बारे में कोई चीज़ पता लगानी है,
ये सब चीज़ें डाटा के एनालिसिस भी हम ए के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। देन टेलीस्कोप शेड्यूलिंग, ठीक है, दीज आर दी सम थिंग्स। देन मेडिसिन के उसमें आज कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, लंग्स का कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, देर आर सो मेनी थिंग्स। कोविड में आप अभी करेंट सिनेरियो में यही पर लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन, तो दीज आर दी थिंग्स बेसिकली इमेज गाइडेड सर्जरी। अब वैसे यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल ये बताया गया है कि एक उसकी ही इमेज, उसके माइंड की इमेज की एक आर्टिफिशियल इमेज बना ली गई, उसके थ्रू उस पर बता देख देख करके या फिर उसको समझ करके हम ऑपरेशंस को कर पा रहे हैं लेजर के थ्रू बाय यूजिंग दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमेज एनालिसिस एंड एनहांसमेंट, इमेज का एनालिसिस करना कि कैसी इमेज है, किस टाइप की इमेज है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अगर कोई रफ इमेज है तो उसको कैसे ओरिजिनलिटी उसकी ला सकते हैं बाय यूजिंग दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है, व्हीकल को कंट्रोल करना है, आपने देखा होगा ड्राइवरलेस कार्स, कार्स चल रही हैं आजकल, ड्राइवरलेस कार कैसे ऑपरेट हो रही है बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए आप गेम्स में यूज करते हैं, गेम्स खेलते हैं आजकल, रोबोटिक्स टॉय बन गए हैं, सो मेनी थिंग्स। तो दीज आर दी बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर यू कैन लर्न द सो मेनी थिंग्स एंड यू कैन अप्लाई योर नॉलेज इन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दीज आर दिस इज दी माई वीडियो लेक्चर ऑफ ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी स्लाइड एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी एंड राइट टू मी बाय ऑन योर माई नंबर। थैंक यू सो मच एवरी वन।